मारूफ सहाफी और तजियाकार हामिद मीर ने कहा है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान यू टर्न लेने के लिए शोहरत रखते हैं और इस फील्ड में इनका कोई सानी नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान भी यू टर्न लेने में किसी से कम नहीं हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिये में हामिद मीर कहते हैं कि खान साहब किसी भी वक्त यू टर्न लेकर पंजाब के सबसे बड़े डाकू को पंजाब का वजीर आला बनवा सकते हैं। वो बिला झिझक जनरल बाजवा को सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ करार देने के बाद इसे मीर जाफर का खिताब भी दे सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ इमरान खान ही यू टर्न लिया करते हैं? क्या नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी कायदीन अपनी मसलहतों के असीर बनकर सियासी मौकफ तब्दील नहीं करते? हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान पर हमने बहुत तनकीद कर ली। 2019 में कहा जाता था कि इमरान पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आजम हैं जिसे फौज, अदलिया और दीगर रियासती इदारों की भरपूर हिमायत हासिल है। तब खान साहब दिन रात आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के गुण गाया करते थे। यही वो ज़माना था जब हमने इमरान के तर्ज हुक्मरानी पर सवाल उठाने शुरू किए तो खान साहब नाराज़ हो गए। उनके फैज से हमारे टीवी प्रोग्रामों पर पाबंदियां लगना शुरू हो गई और फिर खान साहब का फैज इतना आगे चला गया कि उन्होंने मेडिकल वजूहात पर नवाज शरीफ को जेल से निकालकर बरतानिया भिजवा दिया। मेरा ख्याल था कि नवाज शरीफ बदल चुके हैं और वो बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे मियाँ साहब की ऐसी मेडिकल रिपोर्टें दिखाई गईं कि मुझे भी कहना पड़ा कि नवाज शरीफ को अपने इलाज के लिए बरतानिया ज़रूर जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए चंद हफ्तों में वापस आने की हिदायत दी थी, लेकिन अब मियाँ साहब को बैरून मुल्क गए 3 साल से ज्यादा का अरसा बीत चुका है। इमरान की तरफ से नवाज शरीफ को भगौड़ा करार दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ अक्सर खामोश ही रहे। जिन सहाफियों ने इनके बैरून मुल्क इलाज की हिमायत की थी, इन्हें तहरीक इंसाफ वालों ने न जाने क्या क्या कहा, लेकिन मियाँ साहब ने कभी ये वजाहत करने की जहमत नहीं की कि वो 3 साल से लंदन में क्या कर रहे हैं। अब वक्त बदल रहा है, जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ वो इमरान के साथ होने वाला है। नवाज शरीफ अपने एक बदतरीन सियासी मुखालिफ के अंजाम को करीब से देखने के लिए पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहे हैं। हामिद मीर के बकौल नवाज शरीफ ने इमरान को चैलेंज दिया कि वो अपना कोई एक ऐसा मंसूबा बताएं जो उन्होंने बतौर वजीर आजम शुरू किया और पूरा किया हो। मियाँ साहब ने फरमाया कि जो शख्स खुद सर से पाँव तक करप्शन में डूबा हुआ हो वो दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहा है। हमें तो मुफ्त में जिला वतनी और जेलें भुगतना पड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने, लेकिन वो तीनों मर्तबा अपने ओहदे की मुद्दत पूरी ना कर सके। उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई, लेकिन इनके तीनों अदवार के ऐनी शाहिद के तौर पर यह सवाल उठाना जरूरी है कि आप 3 बार वजीर आजम बने, लेकिन क्या एक मर्तबा भी आपने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक सीखा? नवाज शरीफ के हालिया बयानात में बड़ी मजलूमियत नजर आती है। मैं फिर कहूंगा, हाँ आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन क्या यह जुल्म सिर्फ आपके साथ हुआ? आपकी गलतियों की सज़ा सिर्फ आपने नहीं बल्कि आपके ख़ानदान, आपकी पार्टी और आपकी ज़ात में किसी शेर को तलाश करने वाले अहले फ़िक्र दानिश ने भी पाई। जब इमरान ताकत में थे तो हमने इनके तर्ज हुक्मरानी पर सवाल उठाए और सज़ा भी पाई। अब आप ताकतवर हो चुके हैं, आपका ख्याल है कि अब इमरान नाअहल हो जाएंगे और आपकी नाअहली ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा अब आपसे ये सवाल पूछने का वक्त आ चुका है कि आइंदा इंतखाबात में आपकी पार्टी और इसके इत्तेहादी इसी तरीके से तो कामयाबी हासिल नहीं करेंगे जिस तरीके से 2018 में इमरान खान को कामयाबी दिलवाई गई थी। क्या आप हमें ये यकीन दिला सकते हैं कि पाकिस्तान वापसी के बाद आप अपनी पार्टी में जमहूरी कल्चर मुतारिफ कराएंगे और पार्टी में इंतखाबात करवाएंगे? हामिद मीर नवाज शरीफ से सवाल करते हैं कि क्या आपको एहसास है कि आप बार बार जिलावतनी और जेलें इसलिए भुगतते हैं कि पाकिस्तान की अक्सर सियासी जमातों की असल ताकत कोई नज़रिया नहीं बल्कि कुछ शख्सियात हैं? ये सवालात पूछने की ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही है कि इमरान खान के जेल जाने और आपके पाकिस्तान वापस आने से आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गुस्ताखी माफ, आप तीसरी मर्तबा वजीर आजम बने तो हमें आपसे बड़ी उम्मीदें थी। इन उम्मीदों को आपकी हुकूमत ने बाकायदा कत्ल किया। आपने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों के लिए 2016 में बदनाम जमाना पी का एक्ट को पार्लियामेंट से मंजूर कराया और फिर इसी कानून को इमरान हुकूमत ने एक ड्रावनी शक्ल में पी का ऑर्डिनेंस के जरिए हम पर नाफिज करने की कोशिश की। इस कोशिश को अदलिया ने नाकाम बना दिया, लेकिन पी का एक्ट 2016 आज भी सहाफियों और सियासी कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इमरान खान के दौर में एक रुकन पार्लियामेंट अली वजीर पर नाजायज मुकदमात बनाए गए। आज आपकी पार्टी इख्तदार में है और एक सेनेटर आजम सवाती को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। जब इमरान खान का इख्तदार अपने उरूज पर था तो मैंने राना सनाउल्ला पर मंशियात की स्मगलिंग के झूठे मुकदमे के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब राना सनाउल्ला इस झूठे मुकदमे में बरी हो चुके हैं। उम्मीद है आप पर भी
कायम तमाम मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने अपनी गलती से सबक नहीं सीखा। आज आपके दौर में जो कुछ आज़म सवाती के साथ हो रहा है, ये कल को दोबारा आपके साथ होगा। वक्त बदलते देर नहीं लगती। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को अच्छी तरह पता है कि राना सनाउल्ला और हनीफ अब्बासी पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने जो झूठे केसेस बनाए, इनमें सिर्फ इमरान की ख्वाहिश नहीं बल्कि जनरल बाजवा की तायद भी शामिल थी। जब तक बाजवा आर्मी चीफ थे, उन्होंने राना सनाउल्ला के खिलाफ ये झूठा मुकदमा ख़त्म नहीं होने दिया। अफसोस कि मुस्लिम लीग नून के कुछ अहम रानुमा इसी बाजवा साहब को दूसरी एक्सटेंशन दिलवाने के लिए सरगर्म थे और नवाज शरीफ ने इन सरगर्मियों पर आंखें बंद किए रखी। पाकिस्तान की सियासत का हाल ये हो चुका है कि इमरान हों या आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ हों या मौलाना फजलुर रहमान, ये सब अमायदीन पंजाब के एक अदद सबसे बड़े डाकू की खुशामदें करते फिर रहे हैं। डाकू साहब जिधर जाएं, पावर पॉलिटिक्स का पलड़ा उधर झुक जाएगा। नवाज शरीफ को यह मानना पड़ेगा कि इन्हें बार बार जिलावतनी और जेलें इसलिए भुगतना पड़ती हैं कि वो किसी नज़रिए पर खड़े नहीं रहते। कभी बाजवा अच्छा, कभी बुरा और फिर अच्छा हो जाता है। कभी कोई डाकू बहुत बुरा हो जाता है, चंद माह के बाद फिर अच्छा हो जाता है। आवाम के साथ ये मजाक बंद होना चाहिए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।